नमस्ते दोस्तों, हड्डी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ, किचन टिप्स, और ये ठंडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आजकल बहुत मटर आ रहे हैं और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं, और मटर जब लेके आते हो ना तो मटर छीलना मुश्किल हो जाता है, और ठंडी के मौसम में तो किसी चीज़ को छूना लगता है, बस छू नहीं, बस बेड के अंदर ही और कंबल ब्लैंकेट के अंदर खाना मिल जाए और चाय मिले, कॉफ़ी मिले, ये सब कुछ अलग लगता है। कुछ पानी का काम या कोई भी काम ना करूं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मटर मैंने लिया है प्लेट में, और मटर जो है कि छीलना तो मुश्किल होता है, तो इसको इजी तरीके से कैसे छीलेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से आप 1 किलो का 5 केजी भी आप फटाफट छील लोगे, अकेले छील लोगे। और जब छीलते हो ना हाथ से तो ख़राब हो जाता है, और इसको जब छीलने के लिए मैं बताऊँ ना, उससे आपको बिल्कुल ना हाथ खराब होंगे ना थकेंगे, और कोई बच्चे भी इसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और बच्चे क्या करने के लिए गए बहुत ही खुश होंगे करके। तो यहाँ पे ले लिया है गर्म पानी एक बर्तन में, और उस जो मटर लिया है ना उसको इसमें डाल देंगे। तो इसको डाल दीजिए, और डाल करके इसको क्या कीजिए, ढक करके कुछ देर के लिए रख दीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख दीजिए, और इसको ढक करके रखेंगे। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैं हटा देती हूँ। तो देखिए, ढक करके मैंने रख दिया था, और 5 ही 7 मिनट हुआ, ज़्यादा भी नहीं हुआ, और इसको ढक्कन को हटा दिया। अभी गर्म ही है तो इसको हाथ से नहीं छूरिएगा, ऐसे भी ज़्यादा उतना गर्म नहीं है, ठंडे के मौसम में तो डाल ही सकते हो, लेकिन कोई भी छन्नी से या स्पैचुला से इसको निकाल लीजिए। तो देख सकते हैं इसको मैं निकाल रही हूँ, और इसको निकाल करके सारे को प्लेट में रख लीजिए, और उसके बाद मैजिक दिखाऊंगी कि कितना ये ईजी तरीके से, और बहुत ही मतलब इसको तो बच्चे बोल रही ना कि बच्चे भी इसको छील लेंगे, और आप इसको बैठ मतलब जब फ्री रहे बच्चे तो आप बैठा दीजिए और करने के लिए लगा दीजिए। तो कुछ करेंगे तो मोबाइल भी नहीं देखेंगे और बिजी रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ही निकालती हूँ, आधा को छोड़ दिया है मैंने, बाद में निकालूंगी तुरंत, और उसके बाद आधा को मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए स्टीम आ रहा है ना, बिल्कुल इसमें भाप आ रहा है, तो इसको कोई ठंडा होने का ज़रूरत नहीं। इसको क्या कीजिए, एक तरफ का जो कॉर्नर है ऊपर का या नीचे का, कोई एक तरफ का तोड़ लीजिए। तो मैं कुछ कुछ का तोड़ दी थी पहले ही, और तोड़ करके और इसको सबको या तो एक ही साथ तोड़ लीजिए, या तो आप मतलब तोड़ते जाइए और उसको निकालते जाइए। तो मैं बताती हूँ कि कैसे इसको निकालना है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ को मैंने निकाल लिया है, यानी ऊपर का जो मटर का पार्ट है उसको तोड़ लिया है, और एक ले लिया है फोक, और फोक से क्या करेंगे, बस इसको फोक से निकालिए। और एक और ट्रिक बताऊंगी जो उसमें कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आप दबाते जाइए और ये निकलते चला जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो कोई भी बच्चे को बोलेंगे ना तो वो भी कर लेगा। आप इसे या तो फोक से या स्पून से उससे भी कर सकते हैं, और उससे भी इजी तरीका आगे मैं बताऊंगी जो कि आप बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, और बच्चे तो बहुत ही मज़े करेंगे। आप मोबाइल छोड़ करके यही काम करवाइए, ये सब काम करवाएंगे तो वो खुश भी रहेंगे और भूल भी जाएंगे मोबाइल को, और आपका काम भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकाल लिया है, फोक से निकाला है, एक दो तरीका मैंने बताया है, और कुछ को मैं फिर से ऊपर से तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद दिखाती हूँ कि बिना कुछ मतलब यूज किए ही कैसे निकालेंगे। तो देखिए फिंगर लीजिए, फिंगर से इस तरह से दबाते जाइए, सारे मटर बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएंगे। और इस तरह से बच्चे को करवाएंगे ना तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी करेंगे, और मोबाइल देखते भी रहेंगे ना कितना भी सोच करके, तब भी ये काम करेंगे और उनको मज़ा भी आएगा, भूल जाएंगे मोबाइल देखना, और आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप मोबाइल, इस तरह से आप मटर छीलिए, आपको कितना भी मटर हो फटाफट छिल जाएगा, आपको कोई भी हाथ खराब नहीं होगा और कुछ भी थकावट नहीं होगा। तो देखिए मटर मैंने छील लिया है ना, तरीका इजी। अब दूसरे टिप्स के चाप तरफ चलती हूँ। यहाँ पे ले लिया है धनिया का पत्ता, अभी ठंडी के मौसम में बहुत ही धनिया का पत्ता आ रहा है, और इसको साफ करना भी उतना ही हार्ड है क्योंकि ठंडी के मौसम में पानी छूने का भी मन नहीं करता। तो क्या करें जो कि आपको इजी तरीके से एक भी पत्ता बर्बाद नहीं हो, और एक भी धनिया कुछ भी नहीं बर्बाद हो, और हाथ भी ज़्यादा मतलब भिगाना नहीं पड़े, और बहुत ही इजी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे ले लिया एक नेट, तो इस तरह से जब जो नेट होता है ना, प्याज डाला हुआ या आलू पैक करके आता है या कोई भी फ्रूट पैक किया हुआ आता है, जाली को आप रख लीजिए और उसी में इसको धनिया पत्ता को डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे को, एक भी पत्ती बर्बाद नहीं होगा, और इसको क्या डाल करके बांध दीजिए, जितना आपके पास धनिया का पत्ता है सब डाल दीजिए और बांध दीजिए। और देखिए यहाँ पे मैंने बांध दिया है, अब दिखाती हूँ कि करना क्या है जो कि एक भी पत्ते आपके नहीं बर्बाद होंगे। तो यहाँ पे ले लिया है पानी, ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी, और इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, दबा दीजिए, और दबा करके मतलब कस के नहीं दबाना है इसको, मतलब इसको पानी में भिगा देना है और छोड़ दीजिए
पाँच से 10 मिनट के लिए, ताकि सारे मिट्टी निकल जाए और उसके बाद 4-5 पानी से धो लीजिए। एक भी पत्ते भी नहीं बर्बाद होंगे और एक भी धनिया का पत्ता कुछ भी नहीं, उसका स्टेम भी नहीं बर्बाद होगा और साफ हो जाएगा होगा आपका सारे कुछ अच्छे से साफ कर लोगे। इसी तरीके से पालक और मेथी, ये पुदीना, हर चीज को इस तरह से साफ कर सकते हो। तो है ना बहुत अच्छा टिप्स। तो आपको तो ये टिप्स कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और धनिया के पत्ता से ही लेकर के है आगे वाला जो टिप्स है, तो धनिया का पत्ता क्या करते हैं ना, कभी कभी किसी चीज़ में केवल उसका पत्ता ही चाहिए, उसका स्टेम मतलब नहीं चाहिए। और इसको जब हाथ से तोड़ते हो तो बहुत टाइम लगता है, और जल्दी जल्दी काम जब रहता है तो लगता है कितना टाइम लग रहा है। तो इसको इजी कैसे तरीके से निकालेंगे, इजी तरीके से जो कि आपका टाइम भी बच जाए और आपका सब काम फटाफट हो जाए। तो यहाँ पे ले लिया है मतलब छन्नी, छन्नी बोलिए या आप इसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला, जो कोई भी स्नैक्स को छानते हो, हम लोग बोलते हैं झंझरा, तो उसका ले लिया है। उसमें डाल करके इस तरह से खींचते जाएंगे तो सारे धनिया का पत्ता, पुदीना, मेथी के पत्ता भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप डाल करके निकाल सकते हैं तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और फटाफट कोई भी धनिया का पत्ता बर्बाद भी नहीं होगा। तो है ना बहुत अच्छा टिप्स। तो ये सब टिप्स आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो सभी को फायदा होगा और सभी लोग मतलब इसको टिप्स को यूज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं एक नया टिप्स, जो कि ये है सुई धागा से लेकर के। तो सुई जब धागे से सिलते हैं सुई से, तो धागा उसको तोड़ करके डाल देते हैं और उसके बाद बाद में क्या करते हैं, खोजते रहते हैं और नहीं मिलता है। और जो ये बिंदी है, बिंदी क्या होता है ना कि कभी कभी पुराना हो जाता है, आप लगाते नहीं हो और वेस्ट भी चला जाता है। तो इस बिंदी को कैसे यूज करेंगे और उस धागे को मतलब नहीं भूले, मतलब मिल जाए इजीली, उसको कैसे यूज करेंगे बिंदी को, जो कि आपको मतलब इजी हो जाए काम और आपको दिक्कत नहीं हो और टाइम वेस्ट नहीं हो। तो धागे में क्या करेंगे, धागे का जो कॉर्नर है ना, उसका किनारा है, एक बिंदी लेंगे, एक बिंदी उसको निकालेंगे, या तो आप यूज किया हुआ बिंदी भी ले सकते हैं, जिससे बहुत बार क्या होता है ना, एक बार यूज करते हो और उसके बाद दूसरी बार यूज नहीं करते हो, तो इसी में लगा दीजिए। और धागे के कॉर्नर में यानी जो किनारा है टूटा हुआ, उसमें लगाइए और उसके बाद लगा करके इसको चिपका दीजिए, और चिपका करके उसी रील में उसको कहीं भी चिपका दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, और उसको जब खोजोगे ना तो इजी तरीके से मिल जाएगा और बिल्कुल आपको मतलब टाइम बच जाएगा और आप देखने में भी सुंदर लग रहा है, पता भी चल जाता है कि कहाँ पे इसका कॉर्नर है, और आप जल्दी जल्दी सुई धागा का काम कर सकते हो। जैसे जब कभी सिलते हो तो धागा खोजते रहते हो और टाइम नहीं रहता, और हड़बड़ी में कभी कभी सिलना रहता है तो धागा मिलता ही नहीं है। तो आपको ये सब टिप्स कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा टिप्स ज़्यादा पसंद आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।